हेलो फ्रेंड, नमस्कार। पिया पाइसी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी हेल्दी नाश्ता। चलिए अभी शुरू करते हैं रेसिपी। एक बाउल में ली हूँ, उसमें में हम डालेंगे 1 कप सूजी। मैं इसी कप पे सारे माप कर रही हूँ। आपके पास कटोरी है कि ग्लास, किसी भी चीज़ से आप सारे चीज़ माप कर सकते हैं। मैं उसी कप से 1 कप बेसन डाल रही हूँ। उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम साइज गाजर कद्दूकस किया हुआ, एक मीडियम साइज आलू उसको भी मैं कद्दूकस कर ली थी, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 3 से 4 में हरी मिर्च ले रही हूँ उसमें, और एक मीडियम साइज प्याज बारीक कटी हुई, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ मैं, और स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। मैं इधर 1 टीस्पून नमक डाली हूँ। 3 से 4 कली लहसुन उसको हम ग्रेट कर लेते हैं, और सारे चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। सारी चीज़ें हमको मिक्स होना चाहिए, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट पूरा डो बनाएंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, पतला भी नहीं है, डो जैसे ही बनाना है। ये देखिए, ये हमारा बन के तैयार हो गई है। हमें इसे सेट करना है। मैं इधर थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ और उसको ग्रीस कर लेते हैं, चारों तरफ से लगा देते हैं। और ये जो हमारा बटर है उसको हम सेट कर लेते हैं। उसको अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला देते हैं और सेट कर लेते हैं। अब किसी भी बाटी, कटोरी, प्लेट इस तरह के लीजिए, उसे सेट कर दीजिएगा और उसको हम स्टीम करेंगे। ये मैं कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ली हूँ, उसमें एक स्टैंड रख दे रही हूँ और उसको ऊपर हम सेट कर लेते हैं। उसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये हमारा 10 मिनट हो गया है, चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमारा हो गया है ऑलमोस्ट। उसको हम निकाल देते हैं, ठंडा हो गई है, उसको हम निकाल देते हैं एक प्लेट में। देखिए कितनी अच्छी बनी है। उसको हम कट कर लेते हैं। अब जिस तरह चाहिए उसको कट कर सकते हैं, जिस भी शेप में देना चाहिए दे सकते हैं, छोटी बड़ी जैसे भी चाहिए। मैं इस तरह से कट कर रही हूँ, ये देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी इस तरह कट करने से। अब इस तरह आप स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे भी आप खा सकते हैं, नहीं तो इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। जब आपका मन करेगा उसको फ्राई कीजिए और खाइए, क्रिस्पी बना दीजिए। चलिए है ऑलमोस्ट, हमें तो अभी फ्राई की करना है। मैं थोड़ा सा ऑयल ली हूँ, उसमें हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगती है, हम सारे डाल देते हैं और उसको हम फ्राई करना है पलटी करके करके गोल्डन कलर होने तक। चारों तरफ हमको अच्छे से गोल्डन करना है और क्रिस्पी बनानी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।
ये हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है, उसको हम निकाल देते हैं प्लेट में। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, कलर भी बहुत ही अच्छी आई है। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गई है। इस तरह का नाश्ता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है। इस तरह आप घर में ज़रूर बनाएगा, सुबह या शाम आपको जब भी मन करेगा बनाइए और खाइए। और स्टोर करके भी 10-15 दिन आप रख सकते हैं, और जब भी मन करेगा आप फ्राई कीजिए और खाइए और सबको खिलाइए। बहुत ही अच्छी है और क्रिस्पी नाश्ता है। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा।